Now, class 6. Good morning, students. ये हेलो इंग्लिश की बुक है आपकी, ओके और फर्स्ट और सेकेंड लेसन का एक्सप्लेनेशन जा चुका है आपको, हिंदी एक्सप्लेनेशन। थर्ड लेसन अब हम लोग स्टडी करने चल रहे हैं। बहुत ही अच्छी स्टोरी है बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बहुत ही कहना चाहिए कि डिवाइन लेसन है इसमें। तो ये एक्चुअली स्टोरी है अकबर के समय की, शहंशाह अकबर। तो उनके कोर्ट में यानी दरबार में हर तरह के कलाकार विद्वान हुआ करते थे। उसी में एक थे म्यूजिशियन संगीतकार तानसेन, ठीक है। तो दरबार लगता था समय समय पर, अपना तानपुरा लेकर के गीत सुनाते थे और सुंदर गीत में भाई शहंशाह भी बिल्कुल मुग्ध होकर के सुनते थे। तो एक बार इसी क्रम में क्या हुआ, देखिए वही है इस लेसन में। एक बार ऐसा हुआ कि संगीत सुनाने के बाद थक गए थे तानसेन, उन्होंने अपना तानपुरा रखा कारपेट पर। तो राग कई तरह का होता है, राग दरबारी सुना रहे थे, एकदम मंत्रमुग्ध हो गए थे अकबर। और जैसे कि इन्होंने तानपुरा रख दिया, उसके बाद भी ऐसा लग रहा था कि पूरे हॉल में राग जो है वो गूंज रहा है, ये प्रभाव था इनके संगीत का। अकबर ने इनकी ओर देखा, प्रशंसा में बोले कि वंडरफुल, अद्भुत तुमने गीत सुनाया। और ये भी कहा कि मैं तो रोज तुम्हारा गीत सुनता हूं लेकिन कभी भी जी नहीं भरता, मन नहीं भरता और सुनने की चाहत होती। तो तानसेन ने भी प्रशंसा को सुनने के बाद आभार व्यक्त किया सिर झुका करके। और अकबर ने यहां तक कहा कि शायद इस पूरे संसार में तुम्हारे जैसी अद्भुत आवाज किसी के पास। इस पर तानसेन अपने को नहीं रोक पाए, उन्होंने कहा बट आई डोंट शहंशाह। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि मुझसे ज्यादा मधुर सुंदर मोहक गाने वाला कोई नहीं है इस दुनिया में। है कोई एक है ऐसा जो मुझसे भी बेहतर गाता है। तो अकबर को जैसे विश्वास ही नहीं हुआ, कह रहे कि सच में, तो जरूर मैं इस दरबार में उस संगीतकार का गीत मैं सुनूंगा। तो सिंह ने कहा कि ऐसा है महाराज, वो नहीं आएंगे यहां दरबार में, नहीं आएंगे। तो अकबर ने कहा कि क्या जब उनके पास ये खबर जाएगी कि एम्परर ने खुद उनको बुलाया है तब भी वो नहीं आएंगे? इन्होंने कहा नहीं, तानसेन ने कहा नहीं। तो देखो इन जनरल क्या होता है कि कोई और एम्परर होता तो सोचता कि ये तो मेरा बिल्कुल अपमान है, मेरी इंसल्ट हो रही है कि मेरे बुलाने पर कोई ना आवे। लेकिन अकबर इस नेचर के नहीं, समझदार इंसान थे। उन्होंने कहा ठीक है, उस्ताद जी कहते थे वो तानसेन, कि उस्ताद जी ठीक है, ये तो हो सकता है कि वो नहीं आ सकते लेकिन मैं तो जा सकता हूं उनके पास।
चलिए मुझे ले चली उनके पास। तो तानसेन ने कहा कि हाँ ले तो चलूंगा, लेकिन आपको हिंदुस्तान का शहंशाह एम्परर ऑफ इंडिया बन के नहीं जाना होगा, एम्परर ऑफ हिंदुस्तान बन के नहीं जाना होगा, आपको बिल्कुल सामान्य व्यक्ति के रूप में जाना होगा। उन्होंने कहा ठीक है, मैं बिल्कुल विनम्र इंसान की भांति चलूंगा, बस ये मन करके कि मुझे संगीत से प्रेम है, एक विनम्र संगीत प्रेमी बनकर मैं चलूंगा। तो हुआ कि ठीक, किसके बारे में तानसेन ये सब बातें कह रहे थे? अपने गुरु के बारे में, जिनका नाम था संत हरिदास। ये तानसेन के गुरु थे, जिनके बारे में तानसेन कह रहे थे कि वो मुझसे बहुत अच्छा गाते हैं। गए लोग, तानसेन बिल्कुल एक सिंपल लाइफ स्टाइल उनकी थी, बहुत ही साधारण ढंग से रहना था। ये लोग पहुंचे, वो अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थे। उनसे इन लोगों ने निवेदन किया कि कुछ सुनाइए गीत। उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई, अब इतनी उम्र हो गई है, अब मैं गाता वाता नहीं हूं। मतलब फिर तानसेन ने उनसे काफी रिक्वेस्ट किया, फेवरेट स्टूडेंट थे तानसेन हरिदास के, लेकिन इनकी बात भी उन्होंने नहीं मानी। अब तानसेन को एक उपाय सोचा, इनको समझ में आ रहा था कैसे मैं इनको गाना गाने के लिए विवश कर सकता हूं। एक गाना शुरू किया इन्होंने तानसेन, और गलत लय में गाने लगे। एक बार टोका हरिदास ने, अरे अरे कैसे गा रहे, गलत गा रहे। फिर गाया इन्होंने तानसेन ने, जान बूझ कर गलत गा रहे थे, फिर गलत गाया जानबूझ। अब भाई गुरु संत हरिदास कहां बर्दाश्त हो कि मेरा शिष्य गलत धुन गा रहा है। तुरंत इन्होंने तानपुरा लिया अपने हाथ में, वो कहा देखो ऐसे नहीं, ऐसे गाया जाता है, और गाकर लगे सुनाने। अब जब वो गीत गाने लगे तो देखिए बुक में आपके दिया है कि जैसे उनके गीत का प्रसार पूरे वन में इस तरह से होने लगा जैसे भोर की किरणें सुख देने वाली होती हैं, उस गीत की गूंज से सुख महसूस होने लगा, सुख की अनुभूति, आनंद की अद्भुत अनुभूति इन लोगों को होने लगी, जैसे कि फूल की सुगंध पूरे वन में फैल गई इनके आवाज से, इनके राग से। अब ये लोग बिल्कुल सम्मोहित होके, हिप्नोटाइज होकर के, सम्मोहित होकर के अकबर और तानसेन दोनों उस गीत को सुन रहे हैं। सुने लो, अब अकबर का क्या कहना, भाई संगीत प्रेमी थे ही, और उनको तो विश्वास ही नहीं हो रहा था अकबर को कि इतना सुंदर गीत भी कोई गा सकता है, इतना सुंदर राग कोई गा सकता है। खैर गीत तो सुने लो, उसके बाद अपना भी वहां से चले, वापस आने को हुआ। वापस आने लगे लोग तो अचानक एम्परर बोले कि उस्ताद जी आप तो उन्हीं के शिष्य हैं ना, फिर आप उतना मधुर क्यों नहीं गाते, आपका गाना उतना सम्मोहक क्यों नहीं लगता, उतने अधिक आनंद की अनुभूति क्यों नहीं देता आपका गीत, आप भी तो उन्हीं के शिष्य हैं। तब तानसेन मुस्कुराए और बोले कि शहंशाह आई सिंग एट योर कमांड, मैं आपके आदेश पर गाता हूं, अपने शहंशाह के आदेश पर गाता हूं, लेकिन
लगा रहे हैं। अब बेटा शब्दों का फेर देखिएगा, इसको जरा सा मैं चेंज करूं। शहंशाह मतलब क्या? राजा। तो तानसेन ने कहा कि मैं तो राजा के आदेश पर गीत गाता हूं, लेकिन संत हरिदास जिसके लिए गा रहे हैं, किसके लिए? राजाओं के राजा के लिए। मैं राजा के लिए गा रहा हूं और वो राजाओं के राजा के लिए, गॉड के लिए गा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए उनका संगीत इतना मधुर है, उनका संगीत अंतरात्मा से निकल रहा है, डेप्थ ऑफ हिज सोल, अंतरात्मा की गहराइयों से निकल रहा है, बिल्कुल मुक्त ध्वनि, किसी भी आदेश के तहत नहीं। और मैं आपके आदेश के कारण करता हूं। अब आप ही बताइए, हाउ कैन माई म्यूजिक होप टू रीच दोज हाइट्स? मेरा संगीत उन ऊंचाइयों तक कैसे पहुंच पाएगा? ठीक है, यानी वो अपने हृदय से, मन से, अंतरात्मा से गाते थे गुरु जी जो है, संत हरिदास जो है। और ये यानी तानसेन अपने राजा के आदेश पर गाते थे, तो इन दोनों में फर्क होता है। अब इस स्टोरी देखिए, केवल स्टोरी नहीं है बेटा, बहुत बड़ा लेसन है इसमें। यदि आप कोई काम इसलिए करते हो कि आपको उस काम करने के लिए हायर किया गया है, केवल ये भावना यदि आपके अंदर है कि मुझे काम करना है, बस कर देना है, आपकी व्यवस्था है, तो निश्चित रूप से उस कार्य को आप उतने अच्छे ढंग से नहीं कर पाएंगे जितने अच्छे ढंग से तब कर पाएंगे जब आप उसको खूब मन लगा करके करेंगे। यानी कहना चाहिए, कभी कभी मैं बच्चों से कहती हूं कि बेटा हम लोग दिल से पढ़ाते हैं, तुम लोग को मन से पढ़ाते हैं, केवल इसलिए नहीं पढ़ाते कि आपसे मैं फीस ले रही हूं और इसलिए पढ़ा रही हूं, नहीं, मन से पढ़ाते हैं। तो वही बात है कि जो कार्य मन से होगा, जो अंतरात्मा से जो कार्य होगा, वो बहुत अच्छा होगा, और जो केवल किसी के आदेश पर होगा, तो उस काम में न तो उतनी बारीकी रहेगी, न उतनी अच्छाई रहेगी, और न तो आनंद की अनुभूति होगी। इसलिए जो भी कार्य करिए, मन से करिए, दिल से करिए। अब आपको क्या काम करना है, आपको पढ़ाई करनी है, तो ये मत सोचिए कि मम्मी ने कहा इसलिए पढ़ूं, मैम ने कहा इसलिए पढ़ूं, नहीं। मन में ये भाव जगाइए कि मुझे नॉलेज गेन करना है, नॉलेज गेन करके बहुत ऊंचाइयों पर जाना है, इसलिए मैं बहुत मन से, दिल से पढ़ूंगा। जैसे आपके टीचर्स आपको दिल से पढ़ा रहे हैं, वैसे आप दिल से पढ़िए, आप बहुत आगे जाएंगे, आप में बहुत टैलेंट है। ओके बेटा।